नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, आगामी 22 अप्रैल को देश के गृह मंत्री से तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस बंटवाने के नाम पर भोपाल में इकट्ठा करने के कार्यक्रम को कांग्रेस ने तमाशा बताते हुए कहा कि यह बोनस का बंटवारा है या जनधन की लूट का नजारा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगभग 67 करोड़ का बोनस बांटने के लिए तमाशे पर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है। 1,00,000 संग्राहकों को भोपाल बुलाने का लक्ष्य है। अगर एक व्यक्ति को लाने ले जाने में 1,000 रुपए खर्च हुए तो 10 करोड़ रुपए तो केवल परिवहन में भेंट चढ़ जाएगा। कम से कम 2 करोड़ भोजन पर और करोड़ों रुपए व्यवस्था पर खर्च होंगे। गुप्ता ने कहा कि सरकार को जनता के पैसे की इस बेदर्द खर्ची का हिसाब देना चाहिए। संग्रह को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तमाशा होने जा रहा है और अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को भी भ्रम में डाल रही है। 67 करोड़ रुपए का बोनस बांटने के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है। इस 44 डिग्री सेंटीग्रेड में गांव-गांव से आदिवासियों को ढोकर लाएंगे यहां बोनस बांटने के लिए, जो बोनस के लिए कमलनाथ जी के आदेश हैं कि उनको जो है नगद बांटने चाहिए वहीं पर ऑन द स्पॉट वन समिति के दफ्तर में, उन्हें यहां बुलाया जा रहा है, यहां बांटा जा रहा है। सवाल ये है, मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो 67 करोड़ रुपया का बोनस बांटा जा रहा है, 2020 का है, 2 साल बाद आप बोनस दे रहे हैं और उसके लिए भी महोत्सव हो रहा है सिर्फ नेता को अपने के सामने अपनी छवि चमकाने के लिए। जनता के पैसे से लूट हो रही है। 50 करोड़ रुपया कम है ये बोनस पिछले साल के मुकाबले, इसका बात का भी जवाब देना चाहिए कि ये लाभांश घट कैसे गया है। इस बात का भी जवाब मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए कि 160 करोड़ से ज़्यादा लाभांश जो वन समितियों का है वो लंबित क्यों है और उसको वो क्यों नहीं अभी तक बांटा गया। ये मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ी है, जवाब देने की बजाय महोत्सव करके उस आड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। आदिवासियों के साथ ठगी हो रही है, मजदूरों के साथ ठगी हो रही है, उनके हिस्से का पैसा अफसर लूट रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार जो है इस भीषण गर्मी में बुला के उत्सव मनाएगी। कितने लोग लूलपट में आ जाएंगे, कितने लोग नया जो कोरोना फैल रहा है उस कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी क्या सरकार लेगी। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।